नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें। सभी को नवरात्रि की ढेरों 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 शुभकामनाएं। दोस्तों, हमारे कितने ही सब्सक्राइबर जो ये कह रहे हैं कि संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, घर में बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है, कुछ जो माताएं हैं जो ये फोन पर बताती हैं कि हमें बच्चे का जन्म तो हो गया लेकिन अब दूध नहीं आ रहा है, शारीरिक तकलीफें बढ़ रही हैं, बच्चा बीमार रह रहा है, तो आप चाहते हैं कि आपके घर में संतान जन्म ले या आपका बच्चा निरोगी रहे, बच्चा हर्ष पुष्ट रहे। छठी नवरात्रि, जब नवरात्रि का जब छठा दिन होता है, उस दिन माता कात्यायनी स्वरूप की होती है पूजा। माता कात्यायनी का आप स्वरूप देखेंगे, उनकी गोद में कार्तिकेय भगवान बैठे। आपको क्या करना है, मंदिर में जाना है। मंदिर में जाकर के जहाँ भगवान कार्तिकेय की मूर्ति हो या फोटो हो, वहाँ जाकर के एक अच्छा सा खिलौना रख देना है और बेर के पुष्प आप उन्हें अर्पित कर दें। एक घी का दिया लगा दे, अगरबत्ती लगाए। आप देखेंगे दोस्तों, छठी नवरात्रि पर जो ये छोटी सी क्रिया करते हैं, उसके घर में संतान प्राप्ति के योग अपने आप बनने लग जाते हैं। छोटा सा उपाय है, जरूर करें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।